अभय देओल काफी समय से प्रीति देसाई को डेट कर रहे हैं और उनके साथ पब्लिक अपीयरेंस करने में भी अभय को कोई एतराज नहीं है। इन फैक्ट ही डजंट इवन हैव द प्रॉब्लम इफ ही गेट्स क्लिक विद हर और वॉक्स द रैंप विद हर। प्रॉब्लम तो तब होती है अभय को जब उन्हें प्रीति देसाई के साथ रोमांस करना होता है। Well here, हम ऑफ स्क्रीन रोमांस की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो ऑन स्क्रीन रोमांसिंग की बात कर रहे हैं जिसे अभय को है एतराज। खुद आप ही सुन लीजिए। It's tougher. Why? Because in real life it comes naturally. In acting you just suppose them put it on. Because there are too many people around. No, I guess there's a comfort zone you have with a person off screen. So it's kind of weird to be with that person on screen. And I guess because I've never done that before, it's something that is new to me. Well, Abhay, that's just not happening if you say this for your girl. दरअसल अभय और प्रीति देसाई अपने डायरेक्टर फ्रेंड की फिल्म रॉक द शादी में मिलकर रॉक करने वाले हैं। But Preeti is not the lead actress in the film. अभय का लव इंटरेस्ट तो जनीलिया है इस फिल्म में। And because Abhay has a good bonding with the director of this film, he requested him to cast Preeti for the second lead. Well, हम आपको बता दें कि इस फिल्म में इन दो कपल्स के बहुत ही स्टीमी सीन्स हैं, but इससे अभय को है एतराज। It's tougher. Why? Because? Because in real life it comes naturally. In acting you just suppose then put it on. जी हाँ, अभय शायद आप पहले ही एक्टर होंगे जो अपनी फियांसे के साथ ऑन स्क्रीन स्टीमी केमिस्ट्री बनाने में इतने नर्वस हो रहे हैं, वरना बॉलीवुड के कपल्स को तो हमने कभी ऐसे एतराज जताते हुए नहीं देखा है। बीट करीना सैफ और जॉन बिपाशा, हम तो बस यही चाहते हैं कि आप ये स्टीमी सीन कंफर्टेबली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कर लें, क्योंकि वो कहते हैं ना, जिंदगी ना मिले दोबारा।